हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कल के सेशन में मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए पास आने वाले 400 स्टॉक्स कल ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। साथ में निफ्टी को जैसा हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कस करा था, वैसा तो मोमेंटम निफ्टी में नहीं आया। हम लोगों ने बात करी थी कि 18,670 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है, वैसे इसने ओपनिंग उसके ऊपर दी थी। हम लोगों का मानना था कि यहाँ से ब्रेकआउट देके जाएगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, इसने ओपनिंग ही वहाँ पे दी, इसलिए थोड़ा साइडवेज मार्केट चला गया क्योंकि काफ़ी अच्छी गैप ओपनिंग देखने के लिए मिली थी। अगर तुरंत यहाँ से ब्रेकआउट ना देने के बाद नीचे से आता फिर ब्रेकआउट देता तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें 18,700 तक आसानी से मिल सकता था, जो हमें ओपनिंग क्योंकि यहाँ पे उसी वजह से नहीं मिला। आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंटिन्यूसली साइडवेज रेंज में ही मार्केट फंस रहा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1:20 के आसपास, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक यहाँ से हमें रैली देखने मिली। क्यों रैली? ये रैली क्यों देखने मिली? ये रैली हम लोग आसानी से कैप्चर कर सकते थे, मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करा हुआ था ऑलरेडी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कल के सेशन में बताया था और मैं आप लोगों को पहले से ही बताता हुआ हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी इसको टेस्ट करके रिवर्सल दिखाया या फिर इसका ब्रेक डाउन दिखाया तो हम लोग अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक छोटी सी कैंडल से हमें रिवर्सल देखने को मिला था और एक काफ़ी बुलिश कैंडल थी, जिसे मैं कह सकता हूँ इसके हाई पे एक अच्छी खासी एंट्री थी। लो पे हम लोग ऐसे पुट आउट कर सकते थे और एक हमें काफ़ी अच्छा रिस्टोर्ड हम यहाँ पे आसानी से कैप्चर हुआ, मुझे जितना देख के नजर आया 1:2 हम लोग को आसानी से नजर आया। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ, 1:2 से भी कहीं ज़्यादा हम लोगों को टारगेट नजर आया। ने जो हाई लगाया था वो वहाँ से लाया था ऑलमोस्ट 1:4 के अराउंड। आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 1:4 तक का रिस्टोर्ट देखने मिला, पर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हुए जो हमारे टारगेट लेवल्स थे हम लोग वहीं तक का देखेंगे। तो हम लोगों को 1:3 का एक बेहतरीन रिस्टोर्ट, कितनी देर में आप लोग देखेंगे इस एंट्री करते ही हम लोगों को तुरंत टारगेट नजर आया। ऐसे एंट्री अगर आप लोग मिली है, मतलब कुल 7 पॉइंट का एसएल आप लोग देंगे, 7.7 का हमारा एसएल था और 23 रुपये का, 23 पॉइंट जिसे मैं कह सकता हूँ 23 पॉइंट का था हमारा टारगेट, तो 7.7 का एसएल था। मतलब इतना छोटा एसएल मिल रहा तो आप लोग आसानी से इतना सा रिस्क ले ही सकते हैं, चाहे आप बिगिनर्स हो, क्योंकि इतना सर इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक छोटा सा हम लोगों को ऐसा मिला था और एक बेहतरीन टारगेट हम लोग लिखेंगे 1:3 रिस्टोर्ड के साथ में। आई होप गाइज आप लोगों ने इंजॉय करा होगा इस ट्रेड को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के सेशन के लिए। कल के सेशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो इसने इस वाले ट्रेंड लाइन का डे एंड में आके एक बियरिश कैंडल से इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। तो कल के सेशन में हमें हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड का फॉल नजर आए या फिर हो सकता है यहाँ पे ये कंसोलिडेट करें। और अगर इसमें लेवल्स के थ्रू बात करूँ तो हम लोग कहाँ पे अपनी बाइंग या फिर सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम लोग यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाएगा ऊपर जाने के बाद तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया हुआ है। एक वहाँ से रिजेक्शन कैंडल हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। पहला टारगेट हमारा प्रीवियस जो लो बन जाएगा, जिसे हम लोग PDL कहते हैं, और दूसरा टारगेट हम लोग का बन सकता है 18,600 के अराउंड, एक अच्छी खासी राउंड, सॉरी 620 के अराउंड एक अच्छी खासी लेवल है। हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा टारगेट लेने वाले हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों से मेरा होगा निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं दूसरे ढंग से अगर आप लोग बताऊँ, वहाँ से रिवर्सल ना दिखाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड, मतलब ये इस वाले एरिया का अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे अगर आप छोटा सा टारगेट लेना चाहें तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन वाला एरिया बन सकता है। इस वाले एरिया को आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। रिस्क लेना है तो आसानी से ट्रेड अपना इस वाले ब्रेकआउट पर बना सकते हैं, वरना आप लोग चाहें तो अवॉइड करें। और अगर नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड आने के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग जाएंगे आसानी से शॉर्ट साइड के लिए। अगर रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग बाई साइड के लिए भी जा सकते हैं। सेम पहला टारगेट हमारा ये बन जाएगा और दूसरा टारगेट फिर हम लोग सीधे ये वाली लेवल ले लेंगे। आई होप गाइस आप लोग उसमें आगे निफ्टी का एनालिसिस फ्लैट ओपनिंग के साथ में। हमें बात करूंगा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग इतने बीच में ही होती है और गैप ओपनिंग इतने बीच में होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस रेंज से बाहर होगी तो हम लोग इस वाई लेवल से रिवर्सल ट्रेड पर बनाएंगे। 18,615 के अराउंड से हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान में अपना बना सकते हैं और एक हम लोगों का टारगेट आसानी से 18,560 या फिर आप लोगों 570 के अराउंड हम लोगों को आसानी से मिल सकता है। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक रिवर्सल ट्रेड प्लान और वहाँ से सीधे फॉल दिखाने के बाद इस वाई लेवल से रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग यहाँ से बाई साइड के जा सकते हैं। 620 हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ गैप ओपनिंग की, तो गैप ओपनिंग अगर इस रेंज के अंदर होती है तो जैसे मैंने कहा ये मेरे हिसाब से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा सकता है। आप लोग चाहें तो अवॉइड करें इसके बीच में ट्रेड करने के लिए। जब इस वाली रेंज को क्रॉस आउट करेगा तो हम लोगों ने जो टारगेट प्लान आउट करा था 18,717 के अराउंड, वो हम लोगों को आसानी से देखने मिल सकता है। पर याद रखिए बहुत छोटा सा टारगेट है, तो आप लोग छोटे से टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहें तो ही करें, वरना सीधे इस वाली एरिया के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करें 720 के ऊपर। और फिर जो हम लोगों को टारगेट नज़र आ सकता है वो हम लोगों को आसानी से 870 के अराउंड नज़र आ सकता है, 18,777 के अराउंड हम लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट निफ्टी के अंदर नज़र आ सकता है।
आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा निफ्टी का एनालिसिस। मैं डिटेल में आप लोग सारी चीज़ें बता रही हूँ, सारे लेवल्स पे हम लोग कैसे अपना ट्रेड प्लान बनाना है। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, फिर अब हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक हम लोग को एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था, अगर इसके ऊपर गैप ओपन नहीं देगा तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान हम लोग बाई साइड के लिए बना सकते हैं। गाइस आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम पे ही बाई साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी बेहतरीन। हम लोग 15 मिनट के चार्ट भी आप लोग देखेंगे, छोटी कैंडल थी, एक अच्छा खासा हम लोग यहीं से रिशॉर्ट बन सकता था। पर अगर हम लोग 5 मिनट से चार्ट पे जाए तो 5 मिनट से चार्ट पे आप लोग देखेंगे हमें यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नजर आई है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के थ्रू हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान यहाँ से बना सकते थे। आई के ऊपर थी हमारी एंट्री, लो के नीचे हम लोग अब एस एल पुट आउट हो गया। पहला टारगेट हो गया हमारा 1:1.2 का करंट डे हाई का, और दूसरा टारगेट हम लोगों को मिल सकता था आराम से। अगर आप लोग देखेंगे इसने दिया कहाँ था हम लोगों को टारगेट 1:2, तो हम लोगों को मिला ही है। जैसे मैं कहता हूँ 1:2 मिल रहा है, सेफ प्लेयर्स हैं तो 100% की प्रॉफिट बुकिंग करें, तो यहाँ पे हमारा 100% टारगेट हिट हुआ है। जो लोग रिस्क ले सकते थे उन लोगों ने 100% ट्रेडिंग एसएल के साथ में इस वाली कैंडल पे आप लोग कट आउट कर देनी अपनी पोजीशन। ये बात याद रखिए बियर सिंगलफिंग कैंडल बनी है, और यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ आउट करेंगे तो इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल चुका, तो 100% यहाँ पे आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बियरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने मिली है, साथ साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। तो अगर किसी ने यहाँ पे बुक ना करा हो तो आने वाले टाइम के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम पे कैच आउट करा बैंक निफ्टी को, और निफ्टी को भी हम लोगों ने बिल्कुल बॉटम पे कैच आउट करा। और अगर मैं बात करूँ कल के सेशन के लिए तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप लोग देखें, आज के सेशन वैसे तो काफ़ी मैं कह सकता हूँ रेंज बाउंड मार्केट था, ओपनिंग यहाँ हुई फिर क्लोजिंग इसने दोबारा से यहाँ पे दे दी। अब कल के सेशन में अगर आप लोग देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये इसको क्रॉस आउट करता है तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे आसानी से ट्रेड पे बना सकते हैं ब्रेकआउट पे, और आप लोग प्रीवियस जो हाई तक का 44,140 तक का आसानी से टारगेट अपना बना सकते हैं। और अगर नहीं रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस वाले ट्रेड को आप लोग अवॉइड करिए, फिर आप लोग इंतजार करिए प्रीवियस जो हाई के ब्रेकआउट का। और अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ में नीचे की साइड आता है, नीचे की साइड आने के बाद अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी जा सकते हैं आसानी से। ट्रेंड लाइन आप लोग दे सकते हैं, हर बार से मैं आप लोग ट्रेंड लाइन दिखाता हुआ आ रहा हूँ, और हम लोग 43,850 तक आसानी से पहले टारगेट मिलेगा, और दूसरा टारगेट अगर ये इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो हम लोगों को 43,760 तक का आसानी से टारगेट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप लोग अभी के मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मैं आप बात करूं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की, गैप ओपनिंग अगर यहाँ से इस रेंज के बीच में होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो कंसीडरेबल रहेगा। और अगर गैप ओपनिंग जो है हमारी प्रीवियस हाई के ऊपर ओपनिंग देता है तो हम लोग कह सकते हैं वो, जिस मैं गैप ओपनिंग की बात करूं तो वो रहेगा, अगर इसके बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिए इसके ऊपर ओपनिंग देगा तो आप लोग टेलीग्राम पे गाइस फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, क्योंकि चांसेस क्या होती है कि भाई यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान हर बार परफेक्ट नहीं होता है। आप लोग टेलीग्राम पे गाइस जाके फटाफट से सब्सक्राइब करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आज के थ्रू आज के सेशन में ही मैंने लेवल्स का अपडेट दिया था, उसके बाद आप लोगों को मैंने सॉरी करंट डे हाई पे ही यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस बन रहा था, मैंने उसके ब्रेकआउट पे आप लोगों को दिखाया था, और एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेड प्लान मैंने आप लोगों को दिखाया था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे बहुत अच्छा वर्क नहीं करा, एक हमें फॉल देखने मिला, एक स्टीप फॉल जिसे मैं कह सकता हूँ थोड़ा टाइम के लिए आया, पर उसके बाद वहाँ से उसने रिवर्सल दिखा दिया, तो एज सच बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं था। पर हाँ टिकटी मोमेंटम आया, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे था वो मोमेंटम। एक थोड़ा सा इसने हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाया, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे उसने एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नजर आया था, इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बियरिश कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था करंट डे हाई से रिवर्सल दिखाने के बाद, चांसेस थी गिरने की, इसने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिखाने के बाद एक स्टीप हम लोगों को फॉल दिखाया था, और इस स्टीप फॉल में जो प्रीमियम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली मूव करी थी। अगर आप लोग जाके चेकआउट करना चाहते हो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली मूव करी थी, मतलब हम लोगों को 1:1 बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव हुआ था इसमें। अगर आप लोग जाके प्रीमियम्स के थ्रू चेकआउट करेंगे 1:1 हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव हुआ, पर उसके बाद इसने एक हम लोग कह सकते हैं एसएल हिट कर दिया जाकर के, ट्रेलिंग एसएल हम लोगों को जाके इसने हिट कर दिया। यहाँ पे हमारे ये वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छा वर्क नहीं करा, बस एक 1:1 तक रिस्टोर दिखाने के बाद हम लोगों को एसएल हिट कर दिया। और अगर मैं अब बात करूँ गैप ओपनिंग की, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो गैप ओपनिंग पे मैंने आप लोगों से बताई थी आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग अपडेट मिल जाएगा कोई मुझे अपडेट देना होगा तो, वरना जैसे मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और गाइस सारी लेवल्स भी आप लोग मिल जाएंगी तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए गैप ओपनिंग में मैंने बता दिया ज़्यादा हम लोग मेजर क्वांटिटी यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि गैप ओपनिंग वैसे ही काफ़ी स्ट्रेच हो रखा है बैंक निफ्टी, निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गया है,
निफ्टी कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रहा है तो बहुत बढ़िया गैप अप नहीं देता है, तो हम लोग बाई साइड पे थोड़ा कम रिस्क लेके ही ट्रेड करेंगे। और याद रखिए अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, मैं हर बार कह रहा हूँ रिवर्सल दिखाएगा ट्रेंड लाइन से, याद रखिए हम लोग बाई साइड के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट बना सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग पे सेम हम लोग यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा हम लोग यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल ट्रीटमेंट बना सकते हैं। 44,000 एक बहुत ही ज़्यादा शानदार लेवल है, यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल प्लान बना सकते हैं। ये लेवल आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल बार टेस्ट क्यों हो रही है, क्योंकि 44,000 की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन राउंड लेवल है। मैं आप लोग से कहता हूँ राउंड लेवल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, उसको मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट दिखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस बात कर लेते हैं। पहले इंटरडे स्टॉक्स, पहला स्टॉक रहने वाला हमारा लॉरस लैब, जिसमें हम लोगों को एक कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नज़र आ रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें हम एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, या फिर हम लोग कहें वीसीबी पैटर्न की भी फॉर्मेशन नज़र आ रही है, मल्टीपल चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए। पहला टारगेट हम लोगों को 403.3 तक का बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हम लोग लेंगे 405.8 का, एक अच्छा खासा हम लोगों को रिश्वर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम लोग बाई साइड के लिए जाएँ, शॉर्ट साइड के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। पहला टारगेट 393.3 का, और दूसरा टारगेट हम लोग ले सकते हैं 389 तक का, हम लोग को दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड इंटरडे स्टॉक्स रहेगा हमारा सीमेंस। सीमेंस में हम लोग क्या नज़र आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन से काफ़ी टाइम से रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है, और अगर हम लोग इसको कनेक्ट करना चाहें यहाँ पे हम लोग कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है, ये हो गया हमारा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को सीधा टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है, 3055 तक का हम लोग को बेहतरीन टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, और अगर उसको भी क्रॉस आउट करें तो 3070 तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव हो सकता है। आई होप गाइज आप लोगों को इसका भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और गाइज समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थर्ड इंटरडे स्टॉक्स आने वाला है हमारा ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स में अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट आउट हो चुका है, चांसेस क्या है इसकी वीक होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ चुकी हैं। ये रेजिस्टेंस बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो अगर ये अपसाइड भी जाता है तो हम लोग बाई साइड के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशली हम लोगों को टारगेट 341 तक का तो आसानी से मिल ही सकता है पहला टारगेट, और अगर मैं दूसरे टारगेट की बात करूँ तो दूसरा टारगेट हम लोगों को आसानी से 342 का भी देखने के लिए मिल सकता है। 342 के साथ अगर आप लोग ट्रेल करना चाहें तो इसको मैक्सिमम 343 तक ट्रेल करके ले जा सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इसने जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बाई साइड का ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है बहुत बार टेस्ट हुआ है, वहाँ पे सेलर्स का फोर्स काफ़ी ज़्यादा, पर अब वो वीक होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि बायर्स उसको बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे हाई भी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कल यहाँ से रिवर्सल दिखा के ब्रेकआउट भी दे दे, तो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड प्लान भी बना सकते हैं। ब्रेक डाउन ट्रेड प्लान भी बनाएंगे वो कहाँ पे, जब हमारी 335.2 वाई लेवल को क्रॉस आउट कर देगा तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन देगा। और एक सीधा टारगेट पहला तो हम लोग 333.3 तक का मिलने वाला है, और दूसरा टारगेट हम लोग ले सकते हैं इसमें 330 तक का, एक अच्छा खासा हम लोग को दूसरा टारगेट नज़र आ सकता है। आई होप गाइस आप लोग इसका भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फोर्थ इंटरडे स्टॉक्स की, जो है हैवेल्स। हैवेल्स में आप लोग देखेंगे हम लोग इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसे रिवर्सल के लिए भी पैटर्न कह सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मैंने आप लोग पता है क्या करना है, ऊपर जाए तो एंट्री करनी है, नीचे ब्रेकआउट दे तो एंट्री करनी है, आप लोगों को हर बार से पता ही है। नीचे का टारगेट हमारा रहेगा 1145 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट अभी हम लोग चेकआउट करेंगे। ऊपर ही साइड ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को सीधा टारगेट 1164 तक का मिल सकता है पहला, और दूसरा टारगेट हम लोग लेने वाले हैं 1170 के अराउंड। शॉर्ट साइड के लिए मैं अगर दूसरे टारगेट की बात करूं तो इसमें आसपास कोई लेवल नहीं है, हम लोग बना रहे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार, और फिर देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे अपना टारगेट पैन आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सीधा हम लोग को इस वाले एरिया पे ही हम लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है, मैं इसको लेवल से मार्क आउट कर देता हूँ। 1140 पे हम लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 1140 का, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, और एक बार हम लोग परसेंटेज वाइज भी इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर हम ब्रेकडाउन के बाद से अगर इसको कंसीडर करें कौन सी लेवल के नीचे, 1152.8 के नीचे से अगर हम लोग कंसीडर करें, हम लोग को 1% से भी ज़्यादा का बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। याद रखिए तुरंत ट्रेड ना करने की बजाय आप लोग रिस्की प्लान है तो ट्रेड कर सकते हैं, ना सेफ प्लान है तो 1152.4 के नीचे ही अपना ट्रीटमेंट बनाएंगे। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी वीडियो का एनालिसिस, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में कवर आउट कर ली हैं। ज़्यादा वीडियो में अब एक्सटेंड नहीं करना चाहता, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा। मैंने जितना समझाने की कोशिश करी आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।